बिग अपडेट ऑफ क्लैश ऑफ क्लैंस इज टाउन ऑल 16। बहुत जल्द वो गेम में आने वाला है, उसका स्नेक पिक आप लोग इसी वीडियो में देख पाओगे। उसके साथ साथ न्यू लेवल्स ऑफ डिफेंसेस, ट्रूप, स्पेल्स, हीरोज, क्या न्यू पेट्स आने वाला है, क्या न्यू डिफेंसेस आएगा, क्या न्यू ट्रूप्स आएगा, सब कुछ इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखना पूरा वीडियो। और अगर हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना यार, एंड देन अगर आप लोगों को अच्छा लग जाए तो लाइक भी कर देना, वो लास्ट में करना, पहली करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे T16 के ऊपर, जहाँ पे आप लोगों को खर्च करना पड़ेगा 20 मिलियन गोल्ड, और वो भी लेगा 14 डेज के लिए। तो अच्छा रहेगा कि आपके पास अगर कोई मैजिक आइटम्स है, जस्ट लाइक बुक ऑफ बिल्डिंग या फिर हैमर ऑफ बिल्डिंग, तो उससे काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। एंड देन इसका डैमेज पर सेकेंड, नंबर ऑफ टारगेट्स, और ये फूडने के बाद कितना डैमेज करेगा, कितना पॉइजनस इफेक्ट करेगा, ये सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। आप बात करेंगे डिफेंसेस के ऊपर, यहाँ पे टोटल 5 डिफेंसेस है जिसके ऊपर नया लेवल्स आने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे एयर डिफेंस के ऊपर, तो यहाँ पे एयर डिफेंस का न्यू लेवल होने वाला है 14, जो अपग्रेडिंग कॉस्ट लेगा 20.5 मिलियन गोल्ड। एंड देन बात करेंगे एक्सबो के ऊपर, तो एक्सबो का न्यू लेवल होने वाला 11, और जो यहाँ पे अपग्रेडिंग कॉस्ट करेगा 21 मिलियन गोल्ड। देन बात करेंगे विजार्ड टावर, तो सेम यहाँ पे 16 लेवल का आने वाला है, 20.2 मिलियन गोल्ड यहाँ पे लेगा। नेक्स्ट बॉम्ब टावर, तो इसका लेवल होने वाला 11, और ये कॉस्ट करेगा 20.8 मिलियन गोल्ड। और लास्ट मोटर 16 लेवल का होने वाला है, और ये टोटल अपग्रेडिंग कॉस्ट लेगा 19.5 मिलियन गोल्ड। आप बात करेंगे रिसोर्सेज के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है न्यू टाउन हॉल मीन्स न्यू डिफेंसेज, न्यू ऑफेंसेज, और उसके साथ साथ और भी ज्यादा अपग्रेड्स। तो उसके लिए हमारे पास ज्यादा लूट रखने की जगह तो होनी ही चाहिए, तो उसके लिए भी गोल्ड स्टोरेज के ऊपर भी एक नया लेवल, एलिक्सर स्टोरेज के ऊपर भी एक नया लेवल, एंड डार्क एलिक्सर स्टोरेज के ऊपर भी एक नया लेवल आएगा। और ये सारा स्टोरेजेस अपग्रेड कर लेने के बाद आपके पास टोटल स्टोरेज आएगा गोल्ड और एलिक्सर के लिए 23 मिलियन, और डार्क एलिक्सर के लिए आएगा 380,000 स्टोरेज। एंड देन उसके साथ साथ हीरोज के ऊपर भी टोटल 5 लेवल्स करके ऐड होगा। यहाँ पे मेरा अभी तक किंग और आरसी मैक्सड आउट हुआ नहीं है, बट यहाँ पे 5 लेवल्स यानी कि किंग और क्वीन हो जाएगा 95 लेवल, वार्डन हो जाएगा 70 लेवल, एंड आरसी हो जाएगा 45 लेवल्स। अब आ जाते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, सबसे पहले आता है लेबोरेटरी, उसके बाद बैरक, एंड देन पेट हाउस। सबसे पहले बात करेंगे लेबोरेटरी के ऊपर, बहुत सारे ट्रूप्स के ऊपर नया लेवल्स ऐड होने वाला है, तो जल्दी जल्दी वो दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे लैब अपग्रेड करने के लिए हमें देना पड़ेगा 13.5 मिलियन एलिक्सर, उसके साथ साथ ये लेगा टोटल 16 डेज। एंड जो जो ट्रूप्स के ऊपर नया लेवल्स आने वाला है वो है बर्बेरियन, आर्चर, जायंट, वॉल ब्रेकर, बलून, विजर्ड, हीलर, ड्रैगन, पिक्का, माइनर, इलेक्ट्रो ड्रैगन, ड्रैगन राइडर, देन वैल्केरी, गोलेम एंड विच। एंड देन स्पेल के ऊपर भी न्यू लेवल्स आने वाला है, जो कि है हील, लाइटनिंग, रिकॉल एंड पॉइजन। अब रह जाता है बैरक एंड पेट हाउस, इनके ऊपर भी न्यू लेवल्स आ जाएगा, यानी कि नया पेट और नया ट्रूप। अब इसी वीडियो में तो दिखा नहीं पाएंगे, बट आने वाले वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा, तो मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। एंड फाइनली यहाँ पे ट्रैप्स के ऊपर भी कुछ नया लेवल्स एड होने वाला है, जैसे कि जायंट बॉम्ब, एयर माइन एंड रेगुलर बॉम्ब। और उसके साथ साथ वॉल्स के ऊपर भी एक नया लेवल ऐड होने वाला है, जहाँ पे आप लोग 150 वॉल्स अपग्रेड कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए रहेगा 9 मिलियन गोल्ड और एलिक्सर और 9 वॉल रिंग्स। आप बात करेंगे न्यू डिफेंसेस के ऊपर, गेम के ऊपर दो न्यू डिफेंस आने वाला है, एक नहीं दो न्यू। हैमर जैम वीडियो में जो दिखाया गया था, बिल्डर हैमर मार के दो आर्चर टावर को कॉम्बाइन या फिर मर्ज करवा रहा था, और सेम उसी तरीके से हमारे गेम के ऊपर आने वाला है मल्टी आर्चर टावर और रिकोचेट कैनन, और दोनों का कॉस्ट पड़ने वाला है 20 मिलियन गोल्ड। और हाँ, ये डिफेंस एक बार कर लेने के बाद, यानी कि आर्चर टावर या फिर कैनन को एक बार कॉम्बाइन कर लेने के बाद, आप दूसरी बार इसको अलग नहीं कर पाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, गेम के ऊपर काफी सारा कॉस्ट एंड टाइम रिडक्शन भी आने वाला है, उसके साथ साथ कुछ बैलेंस चेंजेस भी करवा दिया जाएगा अपडेट के बाद, जो आप देख सकते हो न्यूज सेक्शन के ऊपर, अलग से आप लोगों को सेक्शन दिख जाएगा, सारा का सारा डिटेल्स वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अगर कुछ भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आता है मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। और वीडियो पे अगर कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगा, मजा आया, तो लाइक कर देना यार, फट जाती यार वीडियो बनाने में, थोड़ा सा लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलो मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोग, तब तक के लिए अच्छे रहें, बाय।